कर्नाटक राज्याचे मंत्री माननीय श्री दिनेशजी गुंडूराव यांना मी आमंत्रित करतो आणि त्यांच्या शब्दाने या सुंदर सोहळ्याला सुरुवात या ठिकाणी होत आहे। मी आपल्या सर्वांना आग्रहाची विनंती करतो, एक जोरदार टाळी माननीय श्री दिनेशजी गुंडूराव यांच्यासाठी आपण सर्वांनी देऊया। सबको नमस्कार। पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम कर्नाटक में हिंदी ज़्यादा बात नहीं करते, तो इसीलिए हिंदी में बोलने का थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं पूरा कोशिश करके आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। आज इधर इस सुंदर इस मंच पर बैठे हुए सब हमारे गण्य लोग और मंच के सामने बैठे हुए सब बुजुर्ग लोग और भाई और बहनों, सबका भाषण हम सुने हैं और सब हम सब इधर आए हैं। हम सब इसलिए आए हैं इधर क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है विश्वजीत कदम, उनका जो हमारा साथ संबंध रखा है, जो प्यार और मोहब्बत हमको दिखाया है, वो हमको इधर खींच के लेकर आया है। इस मंच पर हमारे एक और भाई बंटी जी भी बैठे हैं और बहुत सारे इधर नेतागण भी बैठे हैं। विश्वजीत के साथ मेरा रिलेशनशिप संबंध कुछ 15 साल से उनका मुलाकात हुआ और इस 15 साल में हमने 15-20 टाइम मिले होंगे बस, लेकिन जब भी हम मिलते हैं उस मुलाकात में वो हमेशा मेरे ऊपर असर पड़ता था और जो भी हमको जो मिल रहे थे लोग, जब भी इनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके बारे में हम कोई एक भी नेगेटिव बात नहीं कर सकते। ऐसा आदमी हमारा विश्वजीत कदम है और सबका रिस्पॉन्स वही होता था कि इतना सरल और इतना प्रेम से सबके साथ रहता है और एक जो कनेक्शन बनाता है वो परमानेंट बन जाता है। वैसा एक व्यक्तित्व विश्वजीत का है, तो इसीलिए आज इतना कम उम्र में, हाँ उनका पिताजी का आशीर्वाद है, उनका माताजी भी इधर बैठे, उनका भी आशीर्वाद है उनके ऊपर और अब सब लोगों का प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद है, लेकिन वो इधर विधायक बन के, इधर मंत्री बन के, इधर भी इधर इधर अच्छा तरीके से रह सकते थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो बैकग्राउंड और जो उनका उनके लिए जो शक्ति मिला है उसको इस्तेमाल करके आज विश्वजीत कदम ना सिर्फ सांगली का है, ना सिर्फ महाराष्ट्र का है, लेकिन आज पूरा देश में विश्वजीत कदम कौन है सबको मालूम है, क्योंकि उनका एफर्ट है उसमें। सबके साथ मिलते हैं, बात करते हैं और जो भी पार्टी ने उसको काम दिया है वो बहुत सही तरीके से निभाते हैं। हम और विश्वजीत और बंटी सब गोवा में काम किए, हमारा साथ थे सब लोग गोवा में काम किए और इतना बढ़िया तरीके से वो दोनों बहुत प्रामाणिकता के साथ और जो भी जिम्मेदारी उनको दिया था वो इतना पूरा मन लगाकर जो काम किया। वो मंत्री थे, दोनों लोग भी मंत्री थे, उनके और दूसरा बहुत काम थे उस टाइम, फिर भी पार्टी के लिए वो आए, रहे, काम किए और ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट क्या है, कितना है उनका कमिटमेंट।
पार्टी का लीडरशिप के ऊपर कमिटमेंट है, राहुल जी के बारे में कमिटमेंट है, और जो प्रिंसिपल्स है हमारा पार्टी का, आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर भी उनका कमिटमेंट वो पूरा सबको दिखाया है। तो आज इतना कम उम्र में वो उनका जो करियर है अभी उभर रहा है, और मुझे लगता है कि उनको देखने के बाद और उन आप सब लोगों का प्यार देखने के बाद मुझे यकीन है कि भविष्य में उनको और बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और महाराष्ट्र में और पूरा देश में इनका सेवा ज़रूर हम सब हम पूरा देश का लोगों को मिलेगा, और उनका जो करियर है वो आगे बढ़ेगा। उनका जो पिताजी जो खड़ा खड़ा है इधर महाराष्ट्र में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मैं थोड़ा सब लोगों के साथ पूछ रहा था कि कैसे शुरू हुआ है सब, और अभी भी विश्वजीत के साथ भी वो भी वही मैं बात कर रहा था। तो 50 साल से ऊपर पहले 60 साल के ऊपर पहले पतंग राव जी ने एक छोटा रूम में उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रारंभ किया। पता नहीं कितने लोग उसमें हो सकते थे, 10-15 लोग, और आज लाखों लोग उनके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कैसा उनका पिताजी का जो अचीवमेंट है वो ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, वो एक महान व्यक्ति थे पतंगराव कदम जी। और पतंगराव कदम की उनके बारे में हम सब, मैं भी युवा युवा पॉलिटिशियन था मैं कर्नाटक में, और उनका नाम सुन रहा था मैं। और आज विश्वजीत पतंगराव जी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नेता थे और उनके बारे में बहुत लोगों को मालूम था, लेकिन आज विश्वजीत एक स्टेप आगे जा रहा है, आगे जाना भी चाहिए क्योंकि उतना बड़ा फाउंडेशन उसको मिला है। उस फाउंडेशन के ऊपर आप कितना भी, उस फाउंडेशन में ऊपर कितना भी आप बिल्डिंग बनाइए, फाउंडेशन मजबूत है, इसीलिए उसको वो खड़ा करने के लिए उनका जो विजन है वो हासिल करने के लिए वो उनको करना चाहिए, और वो कर रहा है। तो मैं कर्नाटक से इधर आया हूँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र हमारा बॉर्डर स्टेट्स है, हमारा बीच में कभी कभी कुछ कुछ होता रहता है वो भी है, लेकिन ये सब रहता है क्योंकि एक फैमिली के अंदर भी कुछ कुछ होता रहता है, तो एक दो स्टेट के बीच में भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन सब कुछ सॉल्व करने के लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिरी में हम सब लोग भाई बहन हैं, किसी का स्टेट भी हो सकता है अब, लेकिन हम सब लोग भाई बहन हैं, हम पूरा इस देश के लोग हैं, इसीलिए जो भी मसला आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आता है, वो बैठ के बात करके उसको हम सॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। और कर्नाटक में हमने देखा है कि राजनीति में कैसे आज अभी इस चुनाव में हम एक बहुत बड़ा जीत हमको हासिल हुआ। हमारा सरकार था पहले कर्नाटक में, उस सरकार को तोड़ के बीजेपी ने उनका सरकार बना दिया, हमारा सरकार तोड़ के उनका सरकार बना दिया था, लेकिन इस इलेक्शन में हमारा कर्नाटक के लोग पूरा मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को इस बार अधिकार में लेकर आया है, और हमारा एक मजबूत सरकार अभी सिद्धरामय्या के नेतृत्व में बना है। तो मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में भी जो हमने कल हमने देखा है पिछले एक साल में जो जो हुआ है, हमने देखा है गोवा में क्या हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ है, तो ये तोड़ने का राजनीति उसका जो उत्तर वो सिर्फ एक ही तरीके से उसको उत्तर मिल सकता है, वो है जब चुनाव आएगा, और आने वाले चुनाव में इधर महाराष्ट्र में फिर एक बार हमारा सरकार बनना चाहिए, बनेगा, और उस सरकार में हम इधर जो लोग जो बैठे हुए उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा, और मजबूत करने के लिए ये नया नेतृत्व हमारा पार्टी को संभालेगा, ये मुझे पूरा विश्वास भी है, यकीन भी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमको बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ
लेकिन वो कैसे बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। फिर भी मुझे इधर मौका मिला इधर आने के लिए, विश्वजीत ने हमको बुलाया और आप सब के साथ मिलने का एक मौका मिला है। ज़रूर मैं कभी फिर एक बार इधर ज़रूर आऊँगा और आपके साथ फिर एक बार मिलूँगा, लेकिन ये मुझे मौका जो मिला इसके लिए विश्वजीत को मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे इधर बुला के, क्योंकि एक मंच पे इनका जो बर्थडे है, इस बर्थडे का प्रोग्राम इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और इस बर्थडे के फंक्शन का प्रिसाइडिंग करने के लिए मुझे बुलाया है, तो मुझे भी एक गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मुझे इस फंक्शन का प्रिसाइड करने का जो एक आपने मौका दिया है, इसीलिए मैं आपको मेरा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया है। तो विश्वजीत जी आपको धन्यवाद, और सबको, उनका फैमिली, उनका फ्रेंड्स और पूरे उनका सपोर्टर्स सबको मैं धन्यवाद बोलते हुए मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आता आभार मानण्यासाठी मी माननीय श्री महेश कदम यांना मंचावरती आमंत्रित करेन आणि सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की कारखाना स्थळावरती बाळासाहेब शुभेच्छा स्वीकारणार आहेत, तेव्हा इथे कोणीही गर्दी करू नये प्लीज। महाराष्ट्र राज्याचे युवा नेते, पोलीस कोडगावचे लोकप्रिय आमदार माननीय डॉक्टर विश्वजीत कदम साहेब यांच्या अभिषेक चिंतन कार्यक्रम व कार्यकर्ता युवक मेळाव्यासाठी खास करून या ठिकाणी उपस्थित असणारे कर्नाटक राज्याचे आरोग्यमंत्री माननीय आमदार दिनेश गुंडूराव साहेब, तसेच या ठिकाणी नुकतेच मार्गदर्शन करून गेलेले माननीय खासदार मोहम्मद इब्राहिम प्रतापगढी साहेब, माननीय श्री कन्हय कुमार साहेब, खास करून या ठिकाणी उपस्थित असणारे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय मोहनराव कदम दादा, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या वहिनीसाहेब कदम कुटुंबातील सर्व सदस्य, या ठिकाणी स्टेजवर उपस्थित असणारे माननीय आमदार संजय जगताप साहेब, माननीय आमदार अशोक चंदना साहेब, माननीय आमदार भुवन कापरे साहेब, माननीय आमदार रवींद्र दंगेकर साहेब, माननीय डॉक्टर विक्रांत भुरिया, माननीय आमदार शान सिद्दकी साहेब, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असणारे प्रिंट मीडिया आणि आपण सर्व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित